नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट कमल अरोड़ा, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूएई में, अजमान में, उस्ताद अब्दुल फरूक करीम साहब की छत पे, उस्ताद सफदर अली बजवा साहब गुजरांवाला पाकिस्तान से इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में मौजूद हैं, और मेरे साथ में उस्ताद माजिन है, जो कल ही उस्ताद बने हैं। पहले उस्ताद सफदर अली बजवा साहब के ये शागिर्द हैं और ओमान में शौक करते हैं और यहाँ पे आए हुए हैं यूएई के अंदर। सो मैं आप लोगों को इनसे भी मिलवाऊंगा और उस्ताद जी से कुछ चंद सवाल करूँगा शौक के हवाले से। और बहुत अच्छा लगा यूएई में, ये तीसरी बार मेरी विजिट है, और अगर मैं यूएई में आया हूँ उस्ताद जी के पास ना हो, अगर उस्ताद जी यहाँ मौजूद हैं तो समझ लो कि मेरा ट्रिप टूटा नहीं होगा, क्योंकि उस्ताद मोहतरम बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत सीधे साधे सिंपल सोवर डाउन टू अर्थ बंदे हैं। तो मज़ा आता है इनके पास बैठने में, इनसे सीखने में। और तो उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और आप बहुत भाई कमल भाई, मैं तो खुशकिस्मत इंसान हूँ, पाकिस्तान से इधर दुबई में आया हूँ, आप इंडिया से मेरे को मिलने आ गए, मैं तो खुश हूँ उस बात पे कि कोई मेरे चाहने वालों में है। मैं खुशकिस्मत आदमी। उस्ताद जी के शागिर्द हमारे वहाँ इंडिया में भी हैं, जम्मू में उस्ताद मोहम्मद कैश चौधरी, जो 2020 में यहाँ शागिर्द हुए थे, और वो भी माशाल्लाह अच्छा शौक रखते हैं जम्मू के अंदर, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, और मैं उनकी तरफ से भी उस्ताद को सलाम कहता हूँ। जितने भी उस्ताद मोहम्मद कैश चौधरी के मित्र हैं उनकी तरफ से भी उस्ताद को सलाम कहता हूँ, और पूरे इंडिया की तरफ से भी मैं उस्ताद का इस्तकबाल करता हूँ। सो ये है उस्ताद माजिन ओमान से, पहले इनसे शुरुआत करते हैं। उस्ताद जी, आप कितने टाइम से उस्ताद जी से जुड़े हुए हो? माशाल्लाह अभी तकरीबन 3-4 साल हो गया उस्ताद का साथ। चार साल तो उससे पहले और किसी उस्ताद से भी जुड़े थे या उस्ताद? नहीं, किसी का बात सिर्फ उस्ताद का साथ था, और माशाल्लाह बहुत उस्ताद भी आ गया ओमान में, माशाल्लाह हम लोग का पास भी, और उधर से कप भी किया था, उधर से सब प्रॉब्लम किया था, उसका साथ था माशाल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका साथ है शौक में अंदर। तो आप शौक कितने वक्त से कर रहे हैं? वो बचपन से शौक करता है, बचपन से माशाल्लाह, हाँ बचपन से शौक, लेकिन उस्ताद जी से जुड़े हुए 4 साल में। हाँ 4 साल में हो गया। तो ओमान और टाइम था, ओमान में नहीं था जैसा ज़्यादा आदमी लोग उस्तादी शागिर्दी नहीं था, यह वो टाइम था ज़्यादा। अच्छा। हम लोग जब कबूतर रखता है ये 2005-10 में असाद से स्टार्ट हो गया, शागिर्दी कानून बन गया, शागिर्दी लेने का और आने का। पहले से हम लोग कराया था, शागिर्द नहीं था, हावी था, हम लोग कराया था छत में हम लोग का। और आपके वहाँ पे कौन है सदर जो टूर्नामेंट्स कराते हैं? पुराना सदर जो उस्ताद समीर बलूची है मस्कट का, जो भी सदर का पहले वो जो पैदा किया था शौक में अंदर ओमान में अंदर, वो ही है सदर था सर समीर में, और कयूम लोग उसके साथ और आरफ लोग उसके साथ था। कितने कबूतर उड़ते हैं वहाँ पे? उधर ग्यारह का शौक भी होता है, ग्यारह का भी शौक होता है, और आठ भी, ग्यारह से ऊपर भी होता है? नहीं, हाँ 21 हो गया था अभी लास्ट बार, माशाल्लाह 21 कबूतर भी उड़ाया था, और 10वें महीने में भी उड़ाते हैं। हाँ 10वें महीने में भी उड़ाते हैं। गर्मी का भी शौक है? गर्मी सेम है यूएई और ओमान का? नहीं, फर्क है थोड़ा, ओमान ज्यादा है या यूएई ज्यादा? यूएई ज्यादा है, गर्मी है। रीजन? हाँ वहाँ पे क्या, ओमान में कम क्यों है गर्मी? क्यों सुभान अल्लाह, मौसम से बदले। हाँ हाँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक हो रहा है ओमान में अंदर, हम सब लोग के लिए भी बता रहे हैं ओमान का कितना शौकीन लोग, माशाल्लाह शौक बढ़ाओ अच्छा से, और मिल को और दोस्ती करो, इकट्ठा करो एक साथ में, और शौक आगे करो। तो दोस्तों कभी मौका लगा तो ओमान भी जाएंगे उस्ताद इंशाल्लाह, बिदनिल्लाह ताला इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे ओमान में कैसा शौक होता है। आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है वहाँ पे? मेरे पास ब्रीड सियालकोटी है बथेरा से, और टेडी भी है, और कमंगर भी है, सब नसल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी उस्ताद जी, यूएई दे विच
तो तुहाडा रुतबा है ही है, पाकिस्तान च भी है, तो इस तो अलावा मुख्तलिफ कंट्रियां होर कितने कितने तुहाडे शागिर्द बने? दुबई से तुसी आए उत्थे मेरे शागिर्द काफ़ी ने, मस्कत भी मेरा ये शागिर्द है, मेरी पार्टी चलाएगा अमाजन, और सऊदीया च मेरे काफ़ी शागिर्द ने जो शौक कर रहे हैं, उन्होंने रियाद तो मेरा शागिर्द वास चीमा ते एक मेरा शागिर्द बिलाल हसन अलूला शहर तो दुबई सऊदीया तो। सऊदीया भी गए हो? हाँ मैं सऊदीया गया, उमरा भी करके आया सा, और अदनान जाटे मेरा शागिर्द उतों सऊदीया तो, एक अदनान बाटे मेरा शागिर्द। इंडिया च केड़े केड़े शागिर्द ने? एक ताडे वो भी थे ना उस्ताद मानक सिंह साहब भी ने। हाँ जी वो इंडिया में कैसम मेरा शागिर्द है। हाँ, उस्ताद मानक सिंह भी, मानक सिंह के बाद मुंतखब जो किया हुआ। जी जी जी, जब इंडिया होगा इंशाल्लाह ये प्रोग्रेस ज्यादा हो जाएगी। असी तो तुम कई बार कह बैठे हैं कि भी तुम आओ कोई सबब बनाओ, तो कैश मोहम्मद चौधरी साहब में मैं कहूँगा वो तो ना कोई जरिया जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। जब कोई जरिया बनेगा इंडिया आऊँगा, तुम शौक भी करावे और लैके शौक की पनीरी लगाऊंगा इंडिया में। बिल्कुल अपने नाम की, वैसे भी वो मानिक सिंह चला रहा है पार्टी। हाँ जी मेरे नाम की। बिल्कुल, बस वो मेरी मुलाकात नहीं हुई, वक्त नहीं लगे उ देखो इन्नी दूर आ गए हाँ उतने जाने का टाइम ही नहीं लग्या, पर कोई नहीं हम सबब बनावे तो उन्होंने भी मिल के आवेंगे जरूर। सो दोस्तों ये थे उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब, जिनका मैं पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनके कबूतरों का भी कर चुका हूँ, और ये उस्ताद फरूक अब्दुल करीम साहब की छत है जहाँ पे उस्ताद बाजवा साहब हर साल आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा शौक करते हैं, और मैं आपको इनके कुछ परिंदों का भी लॉफ्ट का शौक कराऊँगा। वही लॉफ्ट है वैसे, परिंदे सब वही हैं, मेन तो आदमी से मुलाकात का दिल होता है कि दो चार साल बाद चक्कर लगे और सबसे मिल के आए, अपने ताल्लुकात बने रहे और प्यार बना रहे, शौक बना रहे। वैसे तो हम लो फ्लायर उड़ाते हैं दिल्ली में, लेकिन हाई फ्लायर वालों से इतना जुड़ा हुआ हूँ कि मुझे वो भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई आए उसका शौक कराया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप बहुत बहुत शुक्रिया सबके लिए, और तुम्हारे लिए भी खास बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम दिया था हम लोग के लिए, और सब लोग जो भी मिल गया इधर सब लोग के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया, और उस्ताद के लिए टाइम भी दिया था हम लोग के लिए, और शौक हर साल में हमारा इधर दुबई में चाचा आप करीम का फारूक में भी शौक करते हैं उन लोग का साथ सब लोग का मिलने के लिए। सलाम अलैकुम। आखिर बचना शेर देना है मेरे को। तो दोस्तों मैं जाते जाते एक, आप पाकिस्तान से इधर आए हैं इसके मतलब कोई शेर नहीं, उस्ताद जी से ये जिक्र करूंगा कि उस्ताद जी ने मुझे बोला भी था तो कोई एक शेर अच्छा, उस्ताद जी अगर आप शायरी का शौक रखते हैं तो जरूर सुनाएं। जी कमर भाई जरूर, ये शेर शायरी से चलती है, मैं जरूर दूंगा और बोलूंगा भी। ये इसका मकसद सिर्फ कबूतरबाजी की दोस्ती के मुतल्लिक है और मेरे अपने मुतल्लिक है। वो कितनी दूर निकल आया दोस्ती निभाते निभाते, कितनी दूर निकल आया दोस्ती निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि आप मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं आप मुस्कुराते बहुत हैं, और मैं थक गया दर्द छुपाते छुपाते। ये सिर्फ सिर्फ कबूतरबाजी के रमूज के लिए जो समझेगा उसका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी।